Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मुझे तो इन वृद्ध शिल्पकार की अवस्था देखकर इनकी ही चिंता हो रही है। आश्चर्य, ये तो सीधे प्रभु नील माधव के कक्ष की ओर बढ़े जा रहे हैं। कहीं ये प्रभु के द्वार से आगे ना बढ़ जाए। हाँ बापू, मुझे भी लग रहा है ये इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। राजन, द्वार यही है ना? प्रणाम प्रभु। क्या हम प्रभु के निकट आ चुके हैं राजन? अद्भुत, अवश्य। हे जग के नाथ, आप पर जिसकी कृपा हो वो कभी भटक नहीं सकता। आपको कोटि कोटि नमन। फिर अपनी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उनसे पूछना कि इन्हें कितनी मूर्तियां बनानी होंगी और वो मूर्तियां किनकी होंगी। क्या आपको ज्ञात है इस काष्ठ से किनकी प्रतिमाओं की रचना होगी? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। अब तक जिस काष्ठ पर कोई भी शिल्पकार एक चिन्ह तक अंकित नहीं कर सका, उसी काष्ठ पर इन्होंने एक नख मात्र से प्रभु का तिलक अंकित कर दिया। इस काष्ठ से चार भव्य और दिव्य प्रतिमाएं बनेंगी। प्रथम जगन्नाथ नील माधव श्री कृष्ण की, जिनका वर्ण नीले मेघ के समान श्याम होगा। दूसरी प्रतिमा होगी बलभद्र की, शंख या चंद्रमा के समान गौर वर्ण की। तीसरी प्रतिमा होगी बलभद्र जी और जगन्नाथ जी के बीच सुभद्रा जी की, चंदन के रंग के समान। और चौथी प्रभु विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की, सुनहरे वर्ण की। शत शत नमन प्रभु नील माधव को, जिन्होंने हमारे पास इन्हें भेजने की कृपा की। प्रभु नील माधव की जय। प्रभु जय जगन्नाथ की जय। प्रभु नील माधव की जय। अर्थात आपको विश्वास है मुझ पर और ये कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं? हाँ, मैं जान गया हूं, आपको मेरे प्रभु ने भेजा है। जहां प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा। ये लीजिए, अपने औजार लीजिए। रुकिए राजन। आपने इन्हें स्वीकार करने से मना क्यों किया? उससे कोई क्या भूल हो गई? इस कार्य के लिए अपने औजार लेने से पहले मेरे कुछ नियम बताना चाहता हूं राजन। मुझे आशा है उसे स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी राजन। आपने मेरा विश्वास जगाने के लिए मेरे द्वारा परखा जाना स्वीकार किया,
तो मैं अपना विश्वास जताने के लिए आपके नियम को अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा प्रथम नियम है, अगले 21 दिन जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मैं इस कक्ष में अकेला रहूंगा। दूसरा नियम, अगले 21 दिन ना ही कोई मुझे पुकारेगा और ना ही कोई मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेगा। कक्ष के द्वार सदा बंद रहेंगे। हे महान शिल्पकार, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। तो कार्य आरंभ करने में मैं कोई विलंब नहीं करना चाहता हूँ। अवश्य, किंतु हमें अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करें, जिससे भविष्य में सभी भक्तों को ज्ञात हो सके कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु मूर्त रचने वाले कौन महान शिल्पकार थे। प्रभु के मंदिर में हमारा एक ही परिचय है, हम सब उसके भक्त हैं और यही संसार को भी ज्ञात होना चाहिए। अब द्वार बंद करने का समय हो गया है, किंतु उससे पहले मैं आप सभी को अपना नियम स्मरण कराना चाहता हूँ। यदि किसी ने भी 21 दिन की अवधि के पहले इस द्वार को खोला, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली, तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा, क्योंकि मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी इस प्रतिमा को नहीं रच पाएगा। मेरा अधूरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकेगा। अंततः प्रभु मुहूर्त की रचना आरंभ हो गई, किंतु शिल्पकार थे कौन? वो अन्य कोई नहीं, स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी थे। तो फिर उन्हें वृद्ध शिल्पकार का रूप धर कराने की क्या आवश्यकता थी? ये सब प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इस पावन धाम में अपने प्रतिमा के स्वरूप में देवर्षि नारद को जो कहा था वो सत्य हो। किंतु ये कैसे हुआ? मन की शंका जिज्ञासा बनती है और जिज्ञासा इतनी सरलता से शांत नहीं होती, उसके लिए मनुष्य जो करता है उसमें भूल भी संभव है। महाराज, वो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, फिर भी आपने उनके सारे नियम स्वीकार कर लिए। वो प्रभु के कक्ष में अकेले रहेंगे, वो भी 21 दिन, वो ये कार्य कैसे करेंगे? वो योग्य अवश्य हैं, किंतु वो निरंतर कार्य कर सकेंगे? इस दुर्बल शरीर के साथ मुझे तो ये संभव नहीं लगता स्वामी। मैं आपकी चिंता समझता हूँ प्रिय, किंतु तनिक विचार कीजिए, हम इस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो आरंभ में संभव लगा था? क्या इस भव्य मंदिर का निर्माण करना मेरे लिए संभव था? मेरे अनुज विद्यापति प्रभु के विग्रह तक पहुंचकर उन्हें यहाँ लेकर आया, क्या ये संभव लगा था? किंतु ये प्रभु की ही कृपा है जिसने सभी बाधाओं को मिटाकर असंभव को संभव कर दिया। इसलिए आप विश्वास मत खोइए, विश्वास रखिए, ये कार्य भी अवश्य संभव होगा। हाँ, यदि आप उन शिल्पकार के प्रति चिंतित हैं तो मैं स्वयं वहाँ स्थित रहूँगा, उस द्वार के बाहर। यदि उन्हें कोई भी आवश्यकता होगी तो मुझे पुकार के बुला लेंगे। भैया, ये कार्य आप मुझे और ललिता को सौंप दीजिए, हम वहाँ रहेंगे। महाराज, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे रहना चाहिए वहाँ। नहीं, मेरी शंका के कारण आप सभी ये कष्ट क्यों सहेंगे? ये कार्य तो मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही वहाँ रुकना चाहिए स्वामी। नहीं नहीं भाभी, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, नहीं, मुझे जाने दीजिए। महाराज, महाराज मुझे ये दायित्व दीजिए। महाराज, मुझे जाने दीजिए। आप लोग विवाद मत कीजिए, हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो ये कार्य हम सब मिलकर करेंगे। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो ये कार्य हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु, यहाँ सब कुछ आपकी लीला के अनुसार हो रहा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं ये शुभ कार्य आरंभ करूं। संकेत है
कि प्रभु हम सबसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो प्रथम बारी मेरी होनी चाहिए। प्रभु की प्रतिमा गढ़ने का कार्य आरंभ हो चुका है। शिल्पकार जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जल ग्रहण करने के लिए भी बाहर नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से भी कुशल होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। क्या हुआ? ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा। जब अन्य सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रभु प्रतिमाओं का स्वरूप कैसा होगा, तब देवी गुंडीचा की चिंता कुछ और ही थी। उनके औजारों की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। मैं बस ये चाहती हूँ वो स्वस्थ हो और इस कार्य को संपन्न कर सकें। मेरा मन अधीर हो रहा है, प्रभु की प्रतिमाओं का स्वरूप कितना मनोहर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु के इन स्वरूप का दर्शन बहुत सुखदायी होगा। उनके शुभ दर्शन से सभी भक्तों के मन तृप्त होंगे। कृपा से आपकी प्रतिमा ने वही आकार और स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है जिसकी भविष्यवाणी आपने देवर्षि नारद जी के सामने की थी। भविष्य में उचित समय आने पर कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। उन्होंने कार्य रोक दिया है स्वामी, जब से आरंभ किया था तब से ये प्रथम बारी हुआ है। ना कोई स्वर ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है भीतर से। प्रभु अब बस कुछ अंतिम कार्य के बाद आपकी प्रतिमाएं आपकी इच्छा अनुसार अंतिम रूप ले लेंगी। कितना आनंददायक और मनोहर होगा वो क्षण जब आपका ये स्वरूप संसार के सामने होगा। नारायण हरि प्रभु नारायण। पधारिए देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पर आए हैं आप, क्योंकि प्रभु ने आपसे जो कहा था वो सत्य होने वाला है। आपके मन की इच्छा अवश्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। अर्थात प्रभु अब जगत को आपके जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन होने जा रहे हैं। किंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी दुविधा में, प्रतिमाओं का रूप और आकार अब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, किंतु जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होता तब तक वो कार्य नहीं रुक सकता। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, यदि शीघ्र मेरा नियम भंग नहीं हुआ, किसी ने द्वार नहीं खोला तो मुझे कार्य करते रहना होगा।
और मुझे हाथ पांव के साथ आपकी प्रतिमाएं रचनी होंगी, जो उचित नहीं होगा। उचित कहा था ना मैंने स्वामी, अब ना कोई स्वर ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि वो निरंतर 21 दिन तक कार्य करते रहेंगे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया स्वामी? लगता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे उनकी चिंता हो रही है स्वामी, इससे पहले कि विलंब हो जाए, उन्हें कुछ हो जाए, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। मुझे अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास, वो जो भी करेंगे भला ही करेंगे। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय, प्रभु का आशीर्वाद है हमारे साथ। मुझे विश्वास है कि वो भीतर स्वस्थ और सकुशल होंगे। अर्थात मुझे अभी और कार्य करते रहना होगा। प्रभु शीघ्र कुछ कीजिए। देखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो अपने कार्य के निरीक्षण के लिए कुछ देर के लिए रुके भर होंगे। अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए, मैं यहीं रहूंगा। नहीं स्वामी, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं, मुझे यहीं रुकना चाहिए, ये मेरी बारी है। उचित है देवी, किंतु आप चिंता मत कीजिएगा, उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। मुझे शीघ्र रुकने का उपाय सोचना होगा, अन्यथा आप जैसी प्रतिमाएं चाहते हैं वैसी नहीं होंगी। नारायण नारायण, प्रभु अब तो आप ही कुछ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूं, किंतु मेरी चिंता पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शिल्पकार जी के कार्य की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। अब तो मेरे करने के लिए कुछ अधिक शेष नहीं है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, कार्य रोकने का कोई उपाय कीजिए। नारायण नारायण, प्रभु अब तो आप कुछ करेंगे ना? शिल्पकार जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्या करूं? मैं सभी को बुला लूं? किंतु आप चिंता मत कीजिएगा, उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। प्रभु अब बस अंतिम 3 चिन्ह अंकित करने हैं, अब कुछ शेष नहीं रह जाएगा। अब सहायता में देर मत कीजिए। संपन्न हुआ प्रभु, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब आप नहीं रोकेंगे तो आपकी प्रतिमाओं का स्वरूप उस रूप से भिन्न होगा जो आपने देवर्षि नारद को दिखाया था। चिंता मत कीजिए देवर्षि, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। किंतु क्या होने जा रहा है? यदि विश्वकर्मा जी ने और कार्य किया तो सब कुछ बदल जाएगा। माते प्रतिमाएं वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपकी ही लीला है। साधारण नहीं थी वो ध्वनि, जैसे कोई भारी औजार गिरा हो।
रात भर शिल्पकार जी के खांसने की ध्वनि निरंतर आती रही। मुझे लगता है वो कुशल नहीं है, उन्हें जरूर कुछ हुआ है। इतनी देर से भीतर से किसी गति का आभास ही नहीं हो रहा। लगता है मेरा संदेह सत्य है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं, किंतु अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो उनका नियम भंग हो जाएगा। प्रभु, अब जब तक मुझे कोई रोकता नहीं, मुझे कार्य करते ही रहना होगा। प्रभु, कृपया बताइए ना, ये क्या हो रहा है? शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, कहाँ चले गए शिल्पकार जी? जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? प्रतिमाएं तो अधूरी रह गई। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ यहाँ? द्वार क्यों खुला है? शिल्पकार जी कहाँ हैं? जब मैंने द्वार खोला तो भीतर कोई भी नहीं था स्वामी। किंतु अभी तो 15 दिन ही हुए थे, आपने द्वार क्यों खोला? उनके खांसने की आवाज आ रही थी स्वामी अंदर से, और उनके हथौड़े के गिरने की भयंकर ध्वनि भी सुनाई दी, लेकिन फिर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई स्वामी। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया, किंतु मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण प्रभु की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। हाँ भैया, भाभी उचित कह रही है। प्रभु की इन प्रतिमाओं के ना तो हाथ है ना पांव, अब ये प्रतिमाएं कैसे पूर्ण होंगी? मुझसे ही दोष हुआ है स्वामी, ये मेरे कारण ही हुआ है। प्रभु, ये क्या हो गया? अब क्या करें प्रभु? तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज।
मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा। भैया, इन प्रतिमाओं के अधूरा रह जाने पर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ विद्यापति, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि प्रभु की प्रतिमा अधूरी नहीं है। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा पूर्ण रूप स्वरूप में है। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। प्रभु क्षमा, किंतु अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। मुझे भी आपकी जगन्नाथ प्रतिमा के स्वरूप के दर्शन करने जाना है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य देवशी। वैसे भी अब विश्वकर्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, तो आपको भी तो अपना कर्तव्य निभाना है। राजा इंद्रद्युम्न को प्रतिमाओं की स्थापना की विधि बतानी होगी। नारायण नारायण। यही प्रभु की इच्छा है, इसी रूप में प्रभु की प्रतिमा स्थापित होनी है। राजन, क्या आपको पूर्ण विश्वास है? कहीं आप मेरी भूल तो नहीं छिपा रहे स्वामी? नहीं देवी, तनिक विचार कीजिए। अभी तक जो भी कार्य हुआ प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हुआ, फिर आपके द्वारा द्वार खोलकर हस्तक्षेप करना उनकी इच्छा की विपरीत कैसे हो सकता है? ये तो सत्य है, जिस कुंड से प्रभु की प्रतिमाएं बननी थी वो भी तब हिला जब प्रभु की इच्छा हुई। यदि वो ना चाहते तो कक्ष का द्वार ही नहीं खुलता। शिल्पकार जी ने इनके हाथ पांव नहीं गढ़े, फिर भी इनकी प्रतिमाएं कितनी पूर्ण और दिव्य लगती। नारायण नारायण। आपने उचित कहा राजन, प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा तो दिव्य ही होगी, यही है उनका पूर्ण स्वरूप, और उनके जगन्नाथपुरी मंदिर में इसी प्रतिमा की स्थापना होनी है। माता रोहिणी के मुख से राधा जी की कथा सुनकर प्रभु बलभद्र जी सुभद्रा जी इसी प्रकार भावनाओं के अतिरिक्त में बह गए थे। उसी दिन प्रभु ने मुझे कहा था, कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। हे देवर्षि नारद, इन प्रतिमाओं की स्थापना यही होनी है, ये शुभ और महान कार्य आप स्वयं संपन्न कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु के इस साधारण भक्त को प्रभु के दर्शन हुए बस यही मात्र पर्याप्त है। इस महान और दिव्य कार्य के योग्य मैं नहीं। हे देवर्षि, फिर प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना यहाँ कौन करेगा? इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए। वो संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही है और वो है इस सृष्टि के रचयिता परम पूज्य ब्रह्मा जी। कार्य की सफलता व्यक्ति की योग्यता और धैर्य पर निर्भर करती है, इसलिए महान कार्य के लिए ईश्वर भी योग्य व्यक्ति का ही चयन करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।